सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। आपके जो बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस प्लस साथ साथ के अंदर आप मेल के ऊपर मुझे एक पीडीएफ भेज रहे हो, आप में से बहुत सारे मुझे भेजी भी थी और मैंने बहुत कम को ही रिप्लाई दे पाया हूँ। सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज सबके सेम टू सेम मैसेजेस आ रहे हैं, सेम टू सेम पीडीएफ आप मुझे भेज रहे हो। इंपॉर्टेंट बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है एक पीडीएफ, एक बहुत तेज़ी से शेयर हो रही है एलिजिबिलिटी रिजोल्यूशन करके एक पीडीएफ है जो कि नाटा, इसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि जो 50% का क्राइटेरिया है वो रिमूव हो गया, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ, ठीक है। अब देखो क्या है पूरा सच, वो जानते पूरी कहानी, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाऊँ इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको बता देता हूँ मैं कि क्या असलियत है एक्चुअली के अंदर, जो हम कब से वेट कर रहे हैं कि भाई 50% वाला क्राइटेरिया रिमूव हुआ नहीं हुआ है, कब रिमूव होगा, क्या अपडेट है अब तक का, वो अपन आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान सुनेंगे भैया, दो चीज़ें। पहली चीज़, पहले तो 50% वाला क्राइटेरिया हम लोग चाहते हैं रिमूव हो जाए या फिर कम हो जाए, या तो 50% से घटाकर उसको 45% कर दिया जाए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उस डोमेन में आ जाए और एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। सेकंड चीज़, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाए, ये चीज़ हो सकता है कि इसमें परसेंटेज के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो आती है वो है क्या नाटा ओजेई कंपलसरी, जो एक हर बार कन्फ्यूजन रहता है कि क्या इस बार नाटा कंपलसरी होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर अपन लास्ट ईयर देखो तो लास्ट ईयर नाटा कंपलसरी नहीं था, नाटा और जी दोनों से आपको एडमिशन मिल रहा था। तो पीडीएफ जो वायरल हो रही है, जो पीडीएफ बहुत तेज़ी से शेयर हो रही है, उस पीडीएफ का सच क्या है वह वो जानते हैं। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ क्या सच है, ध्यान देना। अभी जो पीडीएफ आपने मेरे को भेजी, मैं आपको इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा भी दूंगा वीडियो के अंदर, जिसको नहीं पता हो पीडीएफ के अंदर क्या लिखा है, एक बार वो पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेगा। तो ये ऐसी कुछ पीडीएफ जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है, आप देख सकते हो। इस पीडीएफ आप मुझे भेज रहे हो कि ऐसा कुछ है कि जिस पीडीएफ के अंदर ये लिखा है कि एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से पीडीएफ नहीं है। अगर आप ढंग से पूरी पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपको समझ में ये आएगा कि ये एक किसी भी एक कोई पर्टिकुलर एक्स वाई जेड मेंबर के द्वारा पीडीएफ को एक अपील है, कि ये अपील ये की गई, इसमें एक रिक्वेस्ट की गई है कि जो हमारे पास क्राइटेरिया है 50% का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एग्रीगेट वाला, उसको घटाकर 45% कर दिया जाए या फिर रिमूव कर दिया जाए, मतलब कुछ भी एक चीज़ कर दी जाए पर लेकिन इसको क्राइटेरिया को रिजोल्यूशन के नाम के ऊपर इसको कम कर दिया जाए। एक अपील की जा रही है, ये कुछ फाइनल नोटिस नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। और सबसे मेन चीज़ कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि भैया ये पीडीएफ क्या है, सच है या नहीं, ये कितना सच है इसके अंदर। तो इसमें सच ये है कि ये ओनली अपील है, इसको एक फाइनल नहीं है अभी तक, जब तक कोई नोटिस, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं आ जाता, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या नाटा की वेबसाइट के ऊपर कोई नोटिस नहीं आ जाता, इस नोटिस को अपलोड नहीं कर दिया जाता वेबसाइट के ऊपर, तब तक हम इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, जब तक ये मान्य नहीं है, जब तक हम इसको नहीं मान सकते। अभी तक 50% का क्राइटेरिया लगा हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ को एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट 100% प्रूव करती है मेरे स्टेटमेंट को, वो ये आपने देखा होगा अभी राजस्थान की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं REAP करके, REAP 2023 राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस हैं आर्किटेक्चर के और इंजीनियरिंग के बीटेक के लिए, उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है काउंसलिंग के लिए। अगर आप चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है ना, मैं उसका लिंक उसका भी नीचे आपको डाल दूंगा, ठीक है। उसकी लास्ट 31 जुलाई तक है। तो वहाँ पर अगर आप देखो तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपको 50% का रिक्वायरमेंट है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी 50% चाहिए, प्लस एग्रीगेट के अंदर भी 50% चाहिए। मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जितने भी स्टेट के अंदर काउंसलिंग ज़्यादा स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल राजस्थान की हो गई, इसके अलावा एक है GGSIPU दिल्ली, तो GGSIPU दिल्ली गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अगर आप देखो तो वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपलोड हो गया 2023-24 एडमिशन के लिए, उसके अंदर भी ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि भाई हमको 50% का रिक्वायरमेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी और प्लस उनके लिए भी। प्लस उन्होंने एक एडिशनल चीज़ बोली है कि फर्दर अगर कोई चेंजेस होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर तो आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अभी तक तो यही है ना कि 50% क्राइटेरिया लगा हुआ है, अभी तक 50% का कुछ ना तो 45% हुआ है ना रिमूव हुआ है, पर लेकिन यार तो भी मैं ये चीज़ बोलूँगा कि काउंसिल बाकी टीचर्स मेरी अभी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इस 50% को या तो हटा दिया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्पेशली या तो हटा दिया जाए या फिर इसको 45% कर दिया जाए, पर लेकिन एटलीस्ट कुछ किया जाए, बिकॉज मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके 49 कुछ परसेंटाइल के ऊपर अटके हुए हैं, मतलब 50% से कुछ कुछ नंबर से वो चूक रहे हैं, तो वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। किसी के 147 मार्क्स है, किसी के 148 मार्क्स है, किसी के 149 मार्क्स है आउट ऑफ 150, तो वो एक या दो नंबर से रह रहे हैं। तो एटलीस्ट इसको 45% तक कर दिया जाए या फिर रिमूव कर दिया जाए, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो अभी तक ये नोटिस जो वायरल हो रहा है, जो पीडीएफ मैंने आपको बताई, जो एलिजिबिलिटी रिजोल्यूशन के नाम से पीडीएफ जो है सब जगह शेयर हो रही, इस पीडीएफ ओनली अभी एक एक्स वाई जेड नाम के पर्सन के द्वारा बनाई गई एक जनरल सी पीडीएफ है, अभी तक ये ऑफिशियल पीडीएफ नहीं है। तो कृपया इसको ऑफिशियल पीडीएफ ना माने, अब इसको फेक मानो या जनरल कुछ भी मानो, पर लेकिन ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल जब भी होगी, अप्लाई जब भी होगा रूल, जब तक ये वेबसाइट के ऊपर ना आ जाए
तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा रिक्वेस्ट रहती है मेरी, और भी रिक्वेस्ट है, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी अपने पहले ट्विटर के ऊपर ट्वीट किए थे उस ट्विटर का लिंक मैंने आपको फिर से नीचे दिया है, जाओ फिर से उसको रीट्वीट करो, ट्विटर के ऊपर नीचे कमेंट करो, जो भी करना उसको ट्वीट करो, पर लेकिन आपके हिसाब से कुछ भी करो, पर लेकिन चीज़ों को जल्दी से जल्दी बराबर बराबर शेयर करते रहो, ताकि उनके माइंड के अंदर चीज़ जाती रहे। और अभी एक सूत्रों के हवाले से बात भी की, पता भी चला, तो ये पता चला है कि वहाँ पर आगे में जो है इसका मतलब प्रोसेसिंग हो रही है। अब यार प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, एक दिन दो दिन, इसको बात को एक महीना हो गया, ठीक है, तो डिसीजन लेने में अभी तक पता नहीं कितना टाइम क्यों लग रहा है। अब ये बोला जा रहा है कि कमेटी डिसीजन ले रही पर लेकिन पता नहीं कब तक डिसीजन लेगी। तो यार हम इस चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं कि मेल और ट्वीट, तो लगातार मेल ट्वीट लगातार करते रहे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहें कि भैया जो इसको है रिड्यूस किया जाए, इसे इसको खत्म किया जाए 50% के क्राइटेरिया वालों को, एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों को। तो जितना जल्दी हो सके रिक्वेस्ट करूंगा मैं सभी से, यार अगर कोई वीडियो देख रहा है काउंसिल वाकई टीचर तक किसी भी तरह की पहुंचती है, मैसेज पहुंचता है, तो प्लीज़ स्टूडेंट के हित के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने के लिए आर्किटेक्चर एजुकेशन के अंदर, आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो है कम है, बाकी अगर इंजीनियरिंग से बात करें तो इनके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, ताकि एक एनकरेजमेंट हो, उन सब एक मोटिवेशन मिले, उसके लिए इस चीज़ों को जरूर घटाना चाहिए। और बिकॉज़ ये चीज़ पहले नहीं बताई गई थी, नहीं तो स्टूडेंट्स उस हिसाब से माइंड को प्रिपेयर करते हैं, पर लेकिन ये एंड एकदम अब लास्ट मोमेंट के ऊपर ये चीज़ आ रही तो बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, बाकी अब तक अपडेट ही है, और ये चीज़ मैंने आपको बताई है। सेकंड जो चीज़ मैं बात करने वाला हूँ ये कि नाटा और जे भी कंपलसरी होगा नहीं होगा, मेन ये दिक्कत है कि नाटा और जे इस बार भी कंपलसरी, नाटा कंपलसरी नहीं है, नाटा और जे दोनों मतलब इस बार एक्सेप्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे ये यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर, बहुत सारे चैनल के ऊपर आपको चीज़ मिल जाएगा कि भैया नाटा इस बार कंपलसरी है, जे ही एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर नाटा ही कंपलसरी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे लास्ट ईयर था नाटा और जी कंपलसरी था, इस बार भी नाटा और जी दोनों कंपलसरी रहने वाला है, ठीक है, ये चीज़ तो फिक्स है। क्योंकि आप देखो जो राजस्थान की काउंसलिंग है और GGSIP की काउंसलिंग है, उसके अंदर आप जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि नाटा और जी दोनों एक्सेप्ट की जाएंगे, मतलब ओनली नाटा मैंडेटरी इस बार का, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है ना, इस बीच का ध्यान रखें, तो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। और इस बार मोस्टली चांस ये कि महाराष्ट्र काउंसलिंग के अंदर भी नाटा और जी दोनों इसको एक्सेप्ट किए जाएंगे, ओनली नाटा मैंडेटरी वाला रूल इस बार भी नहीं होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग में भी जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेकंड नंबर का जो उसमें लिखा हुआ है कि NTA द्वारा JEE मेंस भी एक्सेप्ट किया जाएगा और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा नाटा भी एक्सेप्ट किया जाएगा, तो दोनों इसको एक्सेप्ट किए जाएंगे, इसलिए घबराने वाली जरूरत नहीं है। ओनली नाटा ओनली JEE के हिसाब से भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट लेकिन तो भी मैं आपको बोलूँगा कुछ कुछ ऐसी स्टेट काउंसलिंग होगी, कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे, कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होगी जो ओनली एक ही स्कोर एक्सेप्ट करेगी, या फिर नाटा या फिर JEE, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर बात करें तो नाटा और JEE मोस्टली चांसेस के अंदर है कि दोनों इसको एक्सेप्ट किए जाएंगे, जैसे लास्ट ईयर था वही कभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी रहने वाला है, बट लेकिन चेंजेस जो है वो 50% वाले के अंदर है, मेन दिक्कत वहाँ है। बाकी नाटा और JEE कंपलसरी या फिर मैंडेटरी वाले के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मेन दिक्कत 50% वाले के अंदर है, देखते हैं उसका क्या होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी आपको डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेल बहुत सारे आपने करे हैं, बहुत सारे आपने कर रखे हैं, ठीक है, उनको सबका रिप्लाई देना बाकी है, ठीक है। और चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी अपडेट के लिए, नई वीडियोज़ के लिए, और जल्दी ही हम एक से दो दिन के अंदर नाटा थर्ड वाले टाइम के ऊपर जो फोकस कर रहा है उसके ऊपर लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो लगे रहें और एकदम तैयार रहें। थैंक यू सो मच।